जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार जो भी इनके खिलाफ बोलता है उनके अपने विरोधियों को दबाने का काम करती है, जो कि संविधान के लिए ठीक नहीं। संविधान में सबको बोलने की इजाज़त है, सबको बराबर के अधिकार हैं, परंतु ये CBI का, ED का, इनकम टैक्स का, जो संस्थाएं थी, इंडिपेंडेंट संस्थाएं थी, उनका ये इस्तेमाल करके अपने विरोधियों की बात को दबाना चाहते हैं, ये ठीक। जहाँ तक बात है शराब घोटाले, बहुत दिन से चल रहा है दिल्ली का, तो जिस समय मनीष सिसोदिया का नाम आया था उस समय से चल रहा है। आज कोई नया थोड़ी, आज तो ये है कि विपक्षी लोग आपस में मिल रहे हैं, हमारी सरकार के खिलाफ इकट्ठे होने की बात होती है, तो जैसे राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट के अंदर बोलने नहीं दिया और फिर उनकी सदस्यता रद्द करा दी। तो इनका जो तानाशाह रवैया है वो गलत है। तानाशाह कभी भी कोई राजा हुआ है जिसको अहंकार हो जाता है, जो तानाशाह होता है उसका अंत बहुत माड़ा होता है और इस सरकार का अंत भी माड़ा होता है। केजरीवाल को भी अब नोटिस देकर बुलाया गया, बताया था कि आपको आना पड़ेगा। बात नोटिस देने की नहीं, जो दोषी है उसके, परंतु ये तो जब से सरकार में आए हैं अपने जो इनके खिलाफ बोलता है ना उसके खिलाफ CBI भी एक डराने के लिए एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं 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 ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी सारा कुछ तो नहीं किया, इनको डर बैठा हुआ है। ये जो अडानी के से इनके संबंध जिसको उजागर करने का काम हिडनबर्ग कंपनी ने किया, उसने जब कहा कि देश की संपत्ति, देश के जो लोग अपना पब्लिक सेक्टर हैं उनका पैसा, SBI का पैसा, इंश्योरेंस का, LIC का पैसा जब वहाँ लगाया गया, तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में इसका जवाब दो, JPC जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाओ, परंतु नहीं, उस पर कोई बात नहीं करते। अब केजरीवाल जी इनके खिलाफ बोले तो उसको बुला लिया, तो कल कोई भी इनके खिलाफ बोलता है ये स्वतंत्र एजेंसियाँ को इस्तेमाल करके उनको दबाने का प्रयास कर। तो दूसरा, देश भर के सभी नेता इकट्ठे हो रहे हैं, आपके खड़गे साहब भी इकट्ठे हुए, मोदी, सुशील मोदी जी भी, तमाम सब इकट्ठे हुए हैं कि विपक्ष। बात सत्ता बदलने की नहीं है, बात यह है कि जो संविधान के निर्माता बाबा साहब ने संविधान में सबको अधिकार दिए थे, आज देश के संविधान को बचाने की बात है, इसलिए सब इकट्ठा होकर इनको बदलेंगे। चौटाला साहब पदयात्रा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हम गठबंधन कर सकते हैं किसी से भी, हमारा टारगेट है BJP JGP हराना। देखो, हर पार्टी का अपना पक्ष होता है, चौटाला साहब का अपना पक्ष है, किसके साथ अलायंस होना या नहीं होना या हाईकमान का काम है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो दिग्विजय चौटाला पूर्व CM हुड्डा साहब पे तंज कसे जा रहे हैं, उसको लेकर कुछ बोलना? कम से कम उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि आप किस उम्र के से बात कर रहे हो, तो इस प्रकार की बातें अच्छी नहीं होती। सर, लास्ट सवाल ये है कि वो CM साहब जन संवाद कर रहे हैं, कहीं ये 2024 का शगुफा तो नहीं है कि 2024 के चुनाव को लेकर जन संवाद कर रहे हैं, जा रहे हैं तीन तीन दिन प्रवास? आज इस सरकार से हर वर्ग दुखी है और हर वर्ग परेशान है, लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं, इस बात की भनक मुख्यमंत्री जी को भी है, इसलिए जो लोगों की नाराजगी है उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जो व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो बढ़ती बेरोजगारी है, महंगाई है, उससे लोग बहुत तंग हैं और इस सरकार को बदले। तो ये मुख्यमंत्री जी का प्रवास का क्या माना जाएगा, तीन दिन का प्रवास कर रहे हैं क्योंकि? मैं तो कह रहा हूँ डूबती नैया को बचाने का प्रयास है।